गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग चर राशि के बारे में अध्ययन करते हैं, चर राशि के बारे में पूरे फिजिक्स की बात मैं कर लेता हूं। पूरे फिजिक्स में अगर हमारे सामने कभी भी पूरे भौतिकी की बात कर लो, पूरे भौतिकी में अगर कहीं भी आपको कोई मान वेरिएबल दिखाई दे, यानी कैसा दिखाई दे, चर, तब वहां पे हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, कैलकुलस का। किसका? सुनो बउआ बउआ, पहले समझो, 15 से 20 मिनट टाइम दो सभी बच्चे, 20 मिनट के बाद हम आपके पास इतना बढ़िया से लाए हैं कि सारे बच्चे कुछ ना कुछ नहीं 100% सीख के जाएंगे। बउआ इधर देखो एक मिनट हमारी बात, पूरे भौतिकी में अगर हम बात करें जहां भी चर राशि का मान आएगा, तब यहां दिमाग पाया कि महोदय ये चर राशि होता क्या है। तो बच्चे अगर राशि की बात हम करते हैं, तो राशि जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वांटिटी, जिसको इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं, ये क्वांटिटी होते हैं दो प्रकार के, एक हमारे सामने अचर कह दीजिए या स्थिर कह दीजिए, और एक हमारे सामने क्या होते हैं, चर, एक हमारे सामने कांस्टेंट और एक हमारे सामने वेरिएबल्स। मेरे दोस्त कांस्टेंट की बात क्या होता है कि जैसे अगर किसी ने लिखा वाई बराबर पांच, वाई बराबर पांच, तो बताइए यहां वाई का मान फिक्स है या वाई का मान बदल रहा है। लेकिन अगर किसी ने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चे कि y बराबर 5x, y बराबर, तो क्या यहां y का मान फिक्स है या y का मान x पे निर्भर है? x पर। याद करो बच्चे, हमने पहले ही बताया था कि हमारे पूरे भौतिकी में जब भी बात करता हो निर्भर की, तो निर्भर का ही दूसरा नाम हमारा गणित कहता है फलन। क्या बोलता है? फलन। बच्चे आगे मैं चलता हूं, ध्यान से देखता हूं, अगर किसी ने बोला वाई बराबर 5x, तो कहेंगे कि सर यहां पर से y का मान जो है, y का मान किस पर निर्भर है? x पर निर्भर है। और इसी निर्भर को क्या बोला जाता है? फलन। क्या बोलते हैं? फलन। तो कहेंगे कि सर यहां y जो है x का क्या है? फलन है। क्या है? फलन। अरे समझ रहे हो, y किसका फलन है? x का। आप मुझे जरा बताओ, अगर कोई लिखता है f बराबर 5 न्यूटन और कोई लिखता है f बराबर 5t, तो आप मुझे जरा देख के बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि यहां पर f का वैल्यू कांस्टेंट है? yes, f का वैल्यू, लेकिन यहां f का वैल्यू कांस्टेंट है या f का वैल्यू टाइम पे डिपेंड करेगा? टाइम वैरी करेगा, तो f भी क्या करेगा? वैरी करेगा। बात सही है। तो जहां भी इस तरह का डाटा देखेंगे कि वहां का वैल्यू जो है टाइम मतलब वैरी कर रखा है, जहां भी देखेंगे कि वो कांस्टेंट नहीं है, तो उन सभी वेरिएबल डाटा के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको जोड़ने के लिए एक ही गणित का उपयोग करते हैं, और वो होता है हमारा क्या चीज, कैलकुलस। क्या चीज? कैलकुलस। सबसे पहली बात तो ये जानना चाहिए था कि कैलकुलस का यूज हम कहां करते हैं। तो कैलकुलस का यूज हम उस वैसे क्वांटिटी के समय करेंगे जिस क्वांटिटी का मान क्या हो, वेरिएबल्स हो। क्या हो? वेरिएबल्स हो। बच्चे अब बात आती है कि महोदय एक चीज हम आपको बताते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। हम एक दिन चर्चा किए थे अपने फाउंडेशन के ही क्लास में कि बच्चे गति किसको कहते हैं। तो गति का तात्पर्य होता है कि जैसे अभी हम यहां खड़ा हैं, तो यह हमारा पोजीशन है, हमारा पोजीशन है, तो हम जिस बिंदु पे खड़ा है उस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा पोजीशन होगा। सही है। अब हमारा पोजीशन चेंज करेगा कब? जब हम अपने आप को गति देंगे तब। अगर हम अपने आप को गति दे दें, तो बताइए हमारा उस पॉइंट का पोजीशन वही रहा या बदल गया? बदल गया। यानी अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन बदलना हो, तो उसको वेग दो। क्या दो? वेग। देखना क्या बदलना है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब अवस्था, पोजीशन का मतलब अवस्था, और अवस्था से किससे लेना है, विस्थापन से। क्या चीज? विस्थापन। अगर किसी बॉडी का पोजीशन बदलना है तो क्या दो? वेग। वेग बदलना है तो त्वरण दो। क्या दो? त्वरण। और त्वरण बदलना है तो जर्क दो। क्या दो? जर्क दो। और कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चे कि जब भी हम आगे जाते हैं, कहां जाते हैं? आगे। तो आगे जाते हैं तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोल देते हैं, और डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो आगे जाने पे डिफरेंशिएशन, तो पीछे आने पे इंटीग्रेशन। अभी ध्यान से, अब लड़का बोलेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो दोस्त एक चीज बात बता रहा हूं, इधर से हम करेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन, और इधर से करेंगे समाकलन। क्या करेंगे? समाकलन। तो अब अगर हम बात करते हैं दोस्त, एक चीज याद आएंगे, इधर पीछे जाएंगे तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब दोस्त एक चीज आती है, अगर हम आगे गए तो डिफरेंशिएशन और पीछे जाएंगे तो इंटीग्रेशन। पहले एक चीज बात बताओ, ध्यान से मुझे बताओ
किसी भी बॉडी का पोजीशन बदलना है तो उसे क्या दो? वेग। क्या दो? वेग। वेग बदलना है तो त्वरण, त्वरण बदलना है तो जर्क। अरे समझ रहे हो? यानी पोजीशन में बदलाव लाने के लिए कौन जिम्मेवार है? वेग। वेग में बदलाव लाने के लिए त्वरण, और त्वरण में बदलाव लाने के लिए जर्क। सही है। और जब भी हम आगे जाएंगे, किधर जाएंगे? आगे, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। और पीछे आएंगे तो? अब तुम हमको एक बात बताओ बच्चे, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम इसको यहां पर से एक चीज लिख देते हैं, सपोज दैट ये हमारे सामने इसको जीरो बनाए, ये वन है, ये क्या है? टू, और यहां थ्री। अब बताओ कि अगर कोई आदमी एक्स से ए पास जाना चाहता है, एक्स से, हेलो हेलो हेलो, एक्स से कहां जाना है? ए के पास। तो x से a के पास जाने के लिए क्या एक बार ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या दो बार? कितना बार? दो बार। अगर x से a के पास जाना है तो बोलो ना भाई, अगर एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेग। क्या चीज? वेग। और वेग को एक बार करेंगे तो त्वरण, और त्वरण को एक बार करेंगे तो, और पीछे आएंगे तो क्या करेंगे? इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन। ये बात समझ गए? मुख्य बातें समझना है, बस मेरा काम है बस समझना। अब बात आती है कि सर कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे इंट्रीगेशन करते हैं, हाउ वी डिफरेंशिएट, हाउ वी इंट्रीगेट। तो भैया डिफरेंशिएशन में फंक्शन के टाइप्स 12-14 टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से हमारे सामने दो फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक अल्जेब्रिक फंक्शन होता है और एक हमारे सामने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो अल्जेब्रिक फंक्शन में रूल्स क्या, ध्यान से सीखना है छोटू, इधर इधर। अगर एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन निकालना है, सुनना ध्यान से, अगर x टू दी पावर n का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। सही है? yes, सारे बच्चे सीखना ध्यान से। तो अगर टोपी, ए टोपी इधर देखिए, अगर देखेंगे ना इन्हें कि हम इधर आप उधर, ऐसा नहीं। x टू दी पावर n का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले इसका पावर लिख दीजिए। अरे लिखे? yes, और अब x में एक पावर घटा देंगे, एक पावर घटा देंगे, तो ये हो गया n माइनस वन। अरे समझे? yes, अगर कोई हमको बोला कि x पे पावर 5, x पे पावर 5, अबे सही है? yes, तो भैया पहले क्या लिखेंगे? 5। सही है? yes, कोई बोला x पे पावर 100, x पे पावर 100, तो यहां 100। सही है? अब कोई लड़का बोला कि महोदय, बोले बताइए, बोला कि सर 5। क्या चीज? 5। तो एक बात याद रखिए, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। क्योंकि एक बात बताते, कैलकुलस वेरिएबल क्वांटिटी का माय बहन करता है, लेकिन कांस्टेंट को वो बड़ा सम्मान देता है। जैसे मान लेते अगर ये 5x है ना, इसको जब आप डिफरेंशिएट करने जाइएगा, जैसे डिफरेंशिएशन इसके पास जाएगा, ये बोलेगा अरे रे गुरुदेव, आप तो मेरे गुरुदेव हैं। बोला हाँ, तो नहीं, आप साइड आ जाइए। ठीक है, इसको पहले ये क्या कर लेगा? साइड। उसके बाद जो भी करना होगा सारा धंधा ये किसके साथ करेगा? एक्स के साथ। बात सही है? तो अब मुझे बताइए कि हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है? 5 का। किसका? यहां तो हमको कुछ दिखा नहीं, बोले कुछ नहीं, तो बताओ इसको 5×1 लिख सकते हैं? हाँ। और पता होगा कि किसी भी नंबर पे पावर 0 कितना होता है? 1। सही है? अब तुम बताओ दोस्त, यहां 5 एक्स पे पावर 0 है, तो इसमें क्या लिखेंगे? 0। सही है? और तब करते x पे पावर 0-1। सही है? तब बताओ दोस्त, ये 5×0×x^-1, तो ये तो 0 हो गया, और 0 बटा कितना? x। इसलिए 0 में किसी चीज से भाग देते हैं, कितना आएगा? 0। तो बताओ किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0। अरे समझे? yes, कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे सामने किसी ने लिख दिया 3x² + 6x, पूछा कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, सारे बच्चे सीखो, सारे बच्चे धीरे 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 आपको समझ में आएगा। थ्री, अरे यार सबको सीखने दो ना, ठीक है? 3x² + क्या चीज? 6x। आप इसके टच में जाइए, क्या 3 को छेड़छाड़ करेंगे आप? नहीं ना, तो 3 को नहीं करेंगे, 3 को कहो कि तुम बाहर आ जाओ। किधर ले लिए? बाहर। 3 बाहर आया, x² को कहेंगे हाँ तुम्हारा तो हम मां बहन करेंगे यार। बताओ यहां कितना है? 2। अब बताओ x पे पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो इतना ही ना रहेगा? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ गया यहां प्लस, अब यहां कितना है? 6। सही है? यहां कुछ नहीं, पावर कितना? 1।
तो ये वन हो गया एक्स पे पावर वन माइनस वन। मुझे पता है आपसे हम बहुत खुद बहुत फास्ट चलते हैं दोस्त, समझ गए। हमारे सामने नीट और जीमेंस और जो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन होता है शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होता होगा जिसपे कि हमको कलम रखने की आवश्यकता पड़ती होगी। और ये कोई हमारा दरोगा और बीपीएससी और यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं होता है कि जिसमें प्रीवियस ईयर है तो 50 को में 40 को मार दीजिए। हर बार नीट और जीमेंस जो है ना मॉडरेट क्वेश्चन देता है, क्रिएटिविटी जिसमें कि आपको क्वेश्चन सोचना पड़ता है, थिंक डेवलप करना पड़ता है। तो आपसे ज्यादा के आपसे बहुत जिसको लगता होगा ना कि हम बहुत स्मार्ट है तो अप्लाई कर लीजिएगा दोस्त। लेकिन हम अभी सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं सीख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा दोस्त बहुत अच्छे से ध्यान से दीजिए। देखिए क्योंकि इसमें जो बच्चे नहीं जानते उनका भी डर खत्म होना चाहिए। ये तीन दुनी कितना हो गया छः और ये कितना बचा एक्स, क्योंकि दो में से एक जाएगा कितना एक, एक्स पर इतना लिख दिया। बताओ सिक्स एक और यहाँ वन माइनस वन और किसी भी नंबर पर पावर जीरो कितना होता है वन, तो ये तो उतना ही रहेगा। तो ये सिक्स एक्स प्लस कितना हो गया सिक्स। बताओ ये समझ गए, कोई टेंशन नहीं सर। अब दोस्त अगर आप ये समझ गए तब हम आपके सामने एक छोटा सा और देते हैं, x पे पावर 100, x पे पावर 100 प्लस 3x 50 और माइनस 4x 25। क्या मित्र इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बता सकते हैं? हाँ जरा बताओ दोस्त कितना हो जाएगा 100x 99। अबे सही है। और अगर यहां से लेंगे 50 तो 50 दिया, अब थोड़ा सा फास्ट 150 एक्स पे पावर 49 एक्स पे पावर अब 25 चौक 100 तो माइनस 100 एक्स। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? नो सर। तो ये सब तो ये जो होता है ना ये हमारा सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक है। 99% क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं ये जोड़ घटाव पे ही पूछे जाते हैं। और अगर दोस्त देखो लाइफ में अगर कभी मान लेते हैं हमारे सामने मल्टीपल्स में आ जाता है, अभी तुम क्या देखा था जोड़, क्या देखा था जोड़, उसी में कहीं माइनस भी कर देते, क्या कर देते माइनस, तो उससे हमारा बदलने वाला नहीं था। तो अगर एक्स इंटू वाई है, अगर प्रोडक्ट में है तो बड़ा अच्छा चर्चा है, समझ रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट का मतलब है कि आप एक कॉमन सी बात जरा देखिए, एक लड़का जैसे पहले ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये लाइन में आप सबसे पहले प्रसाद एक्स को दीजिएगा तो वाई को छोड़िए, अरे समझे, एक्स को दिए तो वाई नहीं लिया, अब फिर वाई को दीजिए तो एक्स किधर गया बाहर, यानी एक एक ही करके डिफ्रेंशिएट करना, यानी पहले किसको एक्स को, अरे किसको एक्स को, जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वहां पर कोडिंग कर रहे हैं, प्राइम बोलते हैं इसको, एक्स को डिफ्रेंशिएट किए किसको छोड़े वाई को, किसको वाई को, अब प्लस, अब वाई को छोड़े थे अब वाई को करेंगे तो किसको एक्स को, बात समझे, इसी को लिखते हैं। नहीं समझाते देखो पहले एक्स को करो, क्या करो एक्स को, तो डी एक्स इंटू डी एक्स, तो यहां क्या लिखाया वाई, क्या चीज वाई, और फिर वाई को छोड़ेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स, अरे समझे, पहले इसको तब इसको, समझ रहे, अरे भैया हमें यहां से एक्स वाई ऑलरेडी लिखे डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, काहे तुम टेंशन ले रहे हो, ये भी तो सही है। अच्छा 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 समझ गए समझ गए, गलती यहां पे हुआ कि x को छोड़ेंगे और ये dy by dx, सही है, कोई टेंशन नहीं। अब दोस्त तुम एक बात बताओ, x इंटू वाई इंटू क्या है z, x इंटू वाई इंटू z, तो इसमें पहले x को करते हैं तो yz को छोड़ेंगे, अरे छोड़ दिए, अब दोस्त एक्स जेड को छोड़ रहे हैं, एक्स जेड को, तो किसको करेंगे वाई को, और फिर अब जो है वाई, अब किसको करें एक्स और वाई को छोड़ते हैं, एक्स और वाई को, और किसको करेंगे जेड को, बात समझ गए। अगर बहुत सारा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो तो क्या करते हैं सो बताइए, अकेला अकेली सबको सेपरेटली करते हैं, जैसे राम मोहन सोहन तीनों गुना में है तो राम को डिफरेंशिएट करेंगे तो मोहन सोहन को छोड़ेंगे, फिर मोहन को करेंगे तो राम सोहन को छोड़ेंगे, अकेला अकेली करते जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब जैसे मान लेते हैं कल के दिन कोई आदमी हमको बोला कि चलो आप मुझे बताओ एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये दो फंक्शन है, ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये अल्जेब्रा का है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये क्या है लॉगरिथमिक, सही है। अब एक चीज यहां से बता देते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 1 बाय x, 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाय x,
अब तुम बताओ दोस्त, एक लॉग एक्स लॉग एक्स का तुमको करना है अवकलन, करना है ना, तो क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? पहले एक्स को, पहले एक्स को करो, तो डी एक्स बाई डी एक्स, सही है, तो लॉग को छोड़ो, अबे सही है, और अब क्या करोगे, एक्स को छोड़ोगे और अब किसको करोगे, लॉग एक्स को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, सही है। ये डी एक्स बाई डी एक्स, बताइए यहां कुछ नहीं तो कितना है, वन, कितना है, तो यहां वन लिखते, वन इंटू एक्स पे पावर वन माइनस वन, सही है। यहां बच गया क्या चीज, लॉग एक्स, अब प्लस ये क्या हो गया एक्स, और ये कितना हो जाएगा, वन बाय एक्स। तो ये बताओ किसी भी नंबर पे पावर जीरो कितना होता है, वन, तो ये हो गया वन इंटू कितना, लॉग एक्स, अब प्लस ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, वन, तो ये आ गया वन प्लस कितना, लॉग एक्स। बताइए समझ रहे हैं आप? अरे समझे, अगर इसी तरीके से कोई एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स लिख देता तो भी कर सकते थे, पहले इसको करते तो इस दोनों को क्या करते, छोड़ देते, फिर दूसरे स्टेप में इसको करते तो इस दोनों को छोड़ देते, अब फिर तीसरे स्टेप में करते तो भैया इसको करते तो इस दोनों को क्या करते, छोड़ दे। इतना भारी नहीं पूछेगा, बस बच्चों मुझे तुम एक बात बताओ, अब एक एक डिफरेंशिएशन हमको जरा बताओ, किसी ने बोला रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का क्या आप कर सकते हो, कर सकते हो? देखो किसी ने कहा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय, सही है, तो हमने पूछा कि क्यों होता है, तो बता सकते हो इसको, बताओ रूट एक्स का मतलब क्या लिखोगे, एक्स पे पावर वन बाय, सर इसका डिफरेंशिएशन जब करने जाएंगे सबसे पहले पावर, सबसे पहले पावर लिखेंगे और अब इसमें से एक घटा देंगे तो वन बाय टू और माइनस, अब बताओ दोस्त ये वन बाय टू और इंटू एक्स पे पावर माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ, अब तुम बताओ दोस्त इसको वन बाय टू इंटू वन बटा एक्स पे पावर हाफ लिख सकते हैं? अब ये जो एक्स पे पावर हाफ होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं, तो बेसिक डिफरेंशिएशन तुमको समझ में आया? अरे समझे? अभी तुम मुझे बताओ कि दोस्त मोशन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंस, अरे बोलो यार, और पीछे आएंगे तो इंटीग्रेशन, पहले कौन आता है, एक्स, फिर कौन आता है, भी, फिर कौन आता है, भी, भी के बाद ए, ए के बाद जे, स्थिति बदलना है वेग दे दो, क्या दे दो, वेग, वेग बदलना है त्वरण दे दो, त्वरण बदलना है जर्क दे दो, बात समझे, आगे जाएंगे डिफरेंशिएशन, आगे जाएंगे डिफरेंशिएशन और पीछे आएंगे इंटीग्रेशन, सही है। अब देखिए हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को ला रहे हैं, ध्यान से देखना सारे बच्चे, हेलो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने, सीखिएगा, सही है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, कि यदि किसी कण के विस्थापन का समीकरण, इफ द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, यदि किसी कण के विस्थापन का समीकरण एक्स बराबर 3t² - 5t + 2, तब पहला एक क्वेश्चन पूछा, तब क्वेश्चन नंबर एक, हाँ हाँ थोड़ा देर बाद मांगेंगे, तब कण का 2 सेकेंड पर विस्थापन बतावे, कण का कितने सेकेंड पर, दो, अभी इससे 11 क्वेश्चन निकालेंगे यहां से दोस्त, आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, आप हमको बताइएगा, ठीक। हमने पूछा इस तरह का इक्वेशन दिखा दिया और इसने हमसे 2 सेकेंड पर क्या पूछा, विस्थापन, सही है भैया, हम पीपीटी बहुत सुंदर से लाए हैं बना करके, ठीक है, 2 बजे आकर के हम पीपीटी ही बनवाए हैं कि बच्चा को सिखाएंगे, लिख क्यों रहे हैं, जब ये साइंस है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, समझने का प्रयास करिए। एक्स बराबर 3t² - 5t + 2, हमने पूछा कण का कितने सेकंड पर विस्थापन पूछा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो समीकरण दिया गया है एक्स का, इस समीकरण में एक्स आपका नियत है या एक्स आपका वेरिएबल है? अरे बोलो, तुम्हारा ये एक्स किस पर निर्भर कर रहा है? अगर टाइम का मान बदलते जाएंगे तो एक्स भी क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा, एकदम सही है। अब बताओ ये टाइम कितना लिया है, 2, तो टी की जगह 2 रख दो, तो एक्स का मान बता रहे टी बराबर कितना पे, 2 पे, तो 2 की जगह रखो, 2 3 × 2² - 5 × 2, अब प्लस कितना, 2, अब बताओ ये 12 हो गया, 12 2 14,
समझ रहे हो? 12 माइनस 10 प्लस 2, 14 माइनस 10 यानी कितना? 4 मीटर। बताओ सही या गलत? सही है। ये तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन से कितने तरह के क्वेश्चन तुमसे राइज हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां से इस तरह का समीकरण दिखा देगा, कहेगा कि बताइए कण के वेग का समीकरण क्या होगा। कण के वेग का क्या चीज? समीकरण। समी सारे बच्चे मुझे बताओ कि क्या पूछ रहा है? वेग। सही है। ये जो क्वेश्चन है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये नियत राशि है या एक्स का मान यहां नियत राशि है या चर राशि? एक्स आपका चर, जैसे चर देखे तैसे आएगा कि हमको क्या यूज करना है? कैलकुलस। सही है। अब देखिए इस एक्स से हमको किस क्या पूछ रहा है? वेग। एक्स से कहां जाना है? वेग के पास। तो कितने बार डिफरेंशिएशन? तो एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखिए आगे से नहीं करेंगे, पीछे से, क्योंकि ये तो जैसे कांस्टेंट देखे दिमाग से गया। अरे गया? अरे बोलो यार। अब यहां टी है ना, टी का डिफरेंशिएशन कितना? वन। कितना? ये सब मन में रखिए, टी का डिफरेंशिएशन कितना? वन। टाइम के रिस्पेक्ट क्यों भैया, टी पर पावर कितना है? वन। बताइए पावर वन लिखते, वन इंटू टी पे पावर वन माइनस वन, तो ये तो जीरो होता, टी पे पावर जीरो, टी पे पावर, और किसी भी नंबर पे पावर जीरो कितना? वन। तो बताइएगा इसका डिफरेंशिएशन वन होगा, तो पांच गुना वन कितना? पांच। सही है। पांच तो कॉन्स्टेंट, साइन कैसा है? माइनस। सही है। अब बताइए इसका बता सकते हैं? तीन को बाहर रखिए, छोटी, तू नोटी बोल रहा है, छोटी होगा ना? सही है, छोटी नहीं ना बोले तो। छोटी माइनस कितना? पांच। सही है। तो कण के वेग का समीकरण आपने देखा, 60 माइनस कितना? 5। सही है। ठीक है, ये सब चीज हम देखे धीरे धीरे, आपको एकदम हमेशा याद रखेगा, सुनिएगा, ये सब चीज हम डायरेक्ट याद रखना चाहिए। जैसे कांस्टेंट देखे, क्या देखे? कांस्टेंट, तुरंत कितना? जीरो। जैसे मान लेते हैं किसी पर पावर कितना देखे? वन, तो उसका डायरेक्ट कितना? वन। बात समझे? अगर वन देखे तो कितना? वन। ये सब डायरेक्ट याद रखना, देखते के साथ आपको तुरंत, उसके बाद एप्लीकेशन भी आपको दिखाएंगे। हाँ, क्या चीज? यहां पे ये 3t² है ना बहन, तो 3t² में तीन को यहां रखे, और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2, 2t होगा ना, तो कितना हुआ? 60 होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं सर। एक तो पूछ दिया कि कण के वेग का समीकरण बताइए, ठीक, और दूसरा आपसे क्वेश्चन अब पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन। हेलो, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, कण के, अरे नहीं यार, ठीक है, कण का कितने सेकेंड? कण का 2 सेकेंड पर क्या निकाले? वेग। क्या करें बतावे? अब आप बताइए आपको बताना क्या है, क्या बताना है? कब? जब ऐसा स्थिति है तब, तो हमको एक्स से किसके पास जाना है? वेग के पास। ये नियत है कि वेरिएबल है, तो हमको जैसे रहना या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। कितना बार? एक बार। कितना बार? एक बार। एक बार करिए तो ये हो गया कितना? जीरो। कितना? जीरो। यहां से 5 माइनस में, अबे सही है, और ये कितना हो गया? 60। क्या निकल गया? भी, तो भी बराबर आया 60 माइनस। अब तुम बताओ तुम्हारा वेग भी नियत है या वेरिएबल है? और तुम्हारा वेग टाइम पे निर्भर कर रहा है। अब बताओ कि कितने सेकंड पर मांगा? 2 सेकंड। तो यहां पर इस वेग का मान बताना है कितने सेकंड पर? 2। तब यहां रखते 6 गुना 2 और माइनस करते 5। 6 दूना 12, 12 में 5 गया 7, तो जवाब हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर। अब दोस्त एक चीज जरा देखिए, अब इस यही समीकरण दिखा कर करके आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताइए कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा। कण का प्रारंभिक वेग, यही क्वेश्चन दिखा दिया और आपसे क्वेश्चन कर दिया कि आप हमको बताइए कण का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का प्रारंभिक वेग क्या करें बतावे। भैया प्रारंभिक वेग पूछो या अंतिम वेग पूछो या किसी समय वेग पूछो, पूछ तो रहे हो वेग ही ना।
क्या पूछ रहा है? वेग। तो हमको x से किसके पास जाना है? वेग के पास। ये नियत है या वेरिएबल है? तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट कितना बार? एक बार। तूने बड़े अच्छे से देखा था v बराबर 60 माइनस, अबे सही है। और किसी भी कण की गति प्रारंभ मानी जाती है, किसी भी कण को जब हम गति कराना प्रारंभ करते हैं कब, तो जहां से गति प्रारंभ कराते हैं वहां टाइम बराबर लेते हैं कितना? जीरो। कहा जहां से कण गति को प्रारंभ करते वहीं से टाइम का मेजरमेंट स्टार्ट होता है, यानी कोई भी कण गति प्रारंभ करेगा तो उस समय टाइम का मान कितना लेना है? जीरो। तो हमेशा याद रखना है, बताइए कौन सा वेग बताना है? प्रारंभिक। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, वेग का कोडिंग कितने से? दो से, यू से और वी से। पहले कौन आता है? यू। इसलिए प्रारंभिक वेग को किस से? यू से। और यू के जगह हमेशा टाइम का मान कितना? जीरो। अबे समझे? टाइम का मान जीरो। तो अब बता दोस्त, यहां जीरो पुट कर दे तो 6 × 0 और माइनस कितना? 5। तो ये कितना हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड। बताइए समझे आप? अब इस क्वेश्चन के बाद अगला क्या क्वेश्चन इससे राइज कर सकता है? तो सो जरा देखिएगा, अगला एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछाएगा कि बताइए कण के त्वरण का समीकरण, कण के त्वरण का समीकरण, कण के त्वरण का समीकरण। और अभी हम जितना क्वेश्चन देंगे उतना आपको बनाना है, कण के त्वरण का समीकरण। बताइए पूछा क्या, किसके आधार पर पूछ रहा है? अबे सही है, इस इक्वेशन के आधार पे आपसे क्या पूछ रहा है? त्वरण पूछ रहा है। भैया दिए क्या हो? एक्स। क्या पूछ रहे हो? यहां से डायरेक्ट छलांग लगा के जा सकते हैं क्या? पहले कौन आएगा? भी। फिर कौन आएगा? ए। सही है। कितना बार डिफरेंशिएशन? ये बताओ, ये तो एक बार, पहले बार बर्दाश्त नहीं करेगा, ये तो पहले बार में गया। अबे सही है, ये एक बार बर्दाश्त करेगा, टाइम पर जितना पावर उतने बार बर्दाश्त करेगा। यहां कितना है? एक। एक बार बर्दाश्त करेगा, तो यहां से देखिए एक बार जैसे डिफरेंशिएट करिएगा तो ये कितना आ गया भैया, सो बताओ। एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो 60 − 5। अब इसको लगले करना है, यहां भी कॉन्स्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा? अरे समझ रहा है, ये हो गया जीरो और ये कितना? माइनस। 60 का डिफरेंशिएशन 6, तो आ गया ना। इसको डबल डिफरेंशिएट किया एक्स को, तो आ गया त्वरण। अबे सही है, पहला बार एक बार डिफरेंशिएट किए इसको, इस समीकरण को, तो आया कितना? 60 माइनस, और इसको एक बार और करना है, समझ गए? तो कितना आ गया? 6। तो त्वरण कितना आया? 6। बताइए समझ रहे हैं आप? त्वरण कितना आया? 6। तो आप बताओगे कि सर त्वरण का समीकरण कितना आया? 6। अब तुम हमको एक बात बताओ कि ये जो त्वरण तुम्हारा 6 आया, ये नियत राशि है या वेरिएबल राशि है? इसी में एक बार क्वेश्चन क्या कर दिया कि इसी में क्वेश्चन घुमा के पूछा कि बताइए कण का 2 सेकंड पे त्वरण क्या होगा? कण का कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पर। इसी में क्वेश्चन है कि कण का कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर क्या बताइए? त्वरण बतावे। सही है, आखिर भैया 2 सेकंड पर पूछो, प्रारंभिक पूछो या अंतिम पूछे, पूछ तो रहे हो क्या चीज? त्वरण। क्या पूछ रहे हो? त्वरण। तो हमको निकालना पड़ेगा ना त्वरण। तो त्वरण जब तुमने निकाला था तो त्वरण कितना आया था? क्या क्या ये त्वरण समय पे निर्भर करता है? जब हम पड़ोसी के कोई रिलेटिव नहीं है तो अरबपति बन जाए या रोड पति बन जाए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है? तो टाइम पर ये डिपेंड करता ही नहीं है, यानी कि समय के किसी भी मान पे इसका मान क्या रहेगा? फिक्स। चाहे 2 सेकंड पर पूछो, 10 सेकंड पर पूछो, या जब भी पूछो, हमेशा त्वरण कितना रहेगा? 6। बात समझे? तो यहाँ पे त्वरण का मान कितना आ गया? 6। बात सही है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है, अब देखिए कहां पे इसका क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट, हाँ बेल बजा देते हैं। तो ये चीज समझ गए आप? समझ गए? अब एक छोटा सा बात सीखो, ए छोटू इधर इधर। अब देखो एक बार क्वेश्चन कैसे देते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे सामने दिए एक्स बराबर 5t² − 10t³। सही है भैया, समझ रहे? ये क्वेश्चन दिखाया, ये बताइए किस चीज का समीकरण है? किसका समीकरण है? विस्थापन का। और ये किस चीज में दिखाए? एक्स, यानी बॉडी किस एक्सिस में विस्थापित हो रहा है? एक्स एक्सिस। किस एक्सिस में? एक्स। अगर यहां वाई दिखा तो पीपीटी निकाल दीजिएगा, अगर यहां वाई दिखाते तो किस एक्सिस में होता? वाई में। तो इस क्वेश्चन को दिखा करके बोला कि बताइए किस
अब रुक जाइए, क्वेश्चन बना देते हैं। किस समय कण का पहला वेग जीरो होगा, और बताइए किस समय कण का क्या चीज त्वरण जीरो होगा। जिस समय कण का वेग जीरो होगा टाइम बताइए, जिस समय कण का त्वरण जीरो होगा क्या बताइए टाइम। बात एकदम स्पष्ट, अरे समझे। अब तुम हमको एक बात बताओ कि ये समीकरण दिखा करके वो जानना किसके बारे में चाह रहा है, किसके बारे में वेग। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट वेग को करना है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे करो। तो दोस्त एक बात बताओ, 5t 10t और माइनस 30t स्क्वायर, क्या यही वेग होगा? अरे बोलो। अगर हमारे सामने मैथमेटिक्स बात आता है y बराबर x माइनस 2, तो y कब जीरो होगा? तो y सुनो, अरे सुनो, तो y जब जीरो होगा तो x का मान क्या होगा? तो भैया y को जीरो करेंगे तब तो x का मान निकलेगा। तो यही चीज तो है। तो अभी देखो क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहा है कि किस समय कण का वेग क्या होगा, जीरो। तो वेग को क्या करेंगे, जीरो। जीरो बराबर 10t माइनस 30t स्क्वायर। इधर लेके आते हैं बच्चे, 30t स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 10t। दिस कैंसिल, तो t बराबर 10/30 यानी 1/3 सेकेंड। क्या सही है, कोई दिक्कत? अब दोस्त इसी प्रश्न को अगर हम यहां से भागा दे, यहां से उड़ा दे, और हमसे क्वेश्चन क्या है बताइए, किस समय कण का क्या जीरो होगा, त्वरण। आखिर ये जानकारी किसके बारे में लेना चाह रहा है, त्वरण के बारे में। कितना बार डिफरेंशिएट करें, एक बार करो तो कितना हुआ, 10t 10t। एक बार और करो, अरे भैया तुम एक बात बताओ, तुम्हारा इक्वेशन यही था ना, यही था ना, एक बार डिफरेंशिएट किया यहां पहुंचा, इसको एक बार और करोगे कितना होगा, कितना 10। और अगर इसको लेके आते हैं तो 60, यही ना हमारा त्वरण आया। इसका मान कितना होना चाहिए, जीरो। जीरो बराबर 10 माइनस कितना, 60। लिख दिया 60 t, तो 60 t बराबर कितना, 10। तो t बराबर 1/6 सेकंड। सही या गलत, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलो भैया निकाल दो, यार ये सब जब आपको देखते हैं तो हमको लगता है बेकार हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं, हम लोग को कुछ नहीं बुझाते। चल दिए काहे भाई, कुछ है काम है तो चल दिए, पूरा काम रहता तब तो दो चार को ले जाते। ठीक है ठीक है, देख लीजिएगा पढ़ाई को ना, देख लीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। ये हैंग कर गए। यदि किसी कण के विस्थापन का समीकरण x = 3t² + 5t - 2 है, ये सेम इक्वेशन लिखा गया यार, डायरेक्ट नहीं, इसको ये कैलकुलस प्रॉब्लम है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चूंकि आपको यही क्वेश्चन था ही, ये सीखने के लिए दिया गया था, बात समझ गए। इस पे एक्सरसाइज पे डायरेक्ट पहले आते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे, वो सिखाने के लिए दिया गया था, लास्ट में तक कर लेंगे। ठीक है, सब बना दीजिएगा आप, इसमें एक्सरसाइज में आते हैं पहले हम, कैसा कैसा क्वेश्चन देखिए पिछले साल पूछा गया है। मजा लेना है आपको, मजा लेना है तो लीजिए, मजा लेना है, देखो दोस्त मजा लेना, जाके देख, जाके देना ये सब क्वेश्चन किसी को, ये क्वेश्चन जो 15 नंबर आपका है फिक्स रहेगा ना। अच्छा ड्रॉ, ठीक है भाई, सबसे पहला मजेदार क्वेश्चन आपके सामने ये, इससे भी मजेदार ये देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन, एक समान त्वरण से गतिमान एक पिंड का वेग 2 सेकंड में कितना, 40, 4 सेकंड में
एक बात बताओ, क्या तुम्हारे समय का 20 गुना हो रहा है कि नहीं? यार भैया देखो चला गया, दो सेकंड में कितना था? 20, दो सेकंड में 40, और चार सेकंड में 80 था ना छोटू? चार सेकंड में 80, चार सेकंड में 80 और दो सेकंड में 40। तुम एक चीज देखो, फंक्शन किसको कहते हैं? इसे पकड़ना पड़ता है तुमको कि कैसे बदल रहा है। दो में 40, चार में 80, यानी हमारा जैसे देखो ये दो सेकंड है, दो सेकंड में हमारा वेग हो गया 40, सही है? ये टाइम है और ये क्या है? वेग। और चार सेकंड में जब हम देखे ना तो हमारा वेग हो गया 80, यानी हमारा जो वेग है, हमारा जो वेग है वो समय का कितना गुना? दो गुना। कितना गुना? अब यही ना वेग का समीकरण हो गया। अब तुमसे कौन सा वेग पूछा? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग के लिए टाइम कितना? अब बताओ यहां जीरो रखेंगे पूरा हो जाएगा कितना? जीरो, जीरो मीटर पर सेकेंड। तो इसका ये ऑप्शन होगा, समझ रहे हो? अब देखो यहां, अरे बताऊंगा, मुझे पता है दोस्त, हम भी आप ही के जगह से उठ के आए, हम इसको दो तीन तरीके से बताएंगे, चिंता मत करिए। इसको बताएंगे एक बार नहीं, 50 बार बताएंगे, समझिए ना। यहां जरा देखिए, इसको पढ़िए, बताइए। एक समान त्वरण से गतिमान एक पिंड, पहले देखिए जानकारी लिखिए, यहां लिखिए टाइम और यहां लिखिए विस्थापन, लिखे जरा मुझे बताइए कितना सेकंड? चार। चार सेकंड में कितना? 16। और तीन सेकंड में? क्या भैया समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? अगर चार में 16, तीन में 9, तो पांच में कितना? सही है। छ में, यानी टी में, टी स्क्वायर, तो एस बराबर कितना हो गया? टी स्क्वायर। क्या जानना चाह रहा है? क्या जानना चाह रहा है? त्वरण के लिए कितना बार, कितनी बार इसकी मां बहन करेंगे? कितनी बार? दो बार। दो बार करेंगे, एक बार करेंगे ड्यूटी, अगली बार कर देंगे, कितना हो जाएगा? दो। तो त्वरण हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए आप? एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस भी समझ रहे हैं? टेंशन नहीं लेना है बेटा, आई एम हियर, टेंशन नहीं लेना है, समझ गए? हाँ, आप बोले दिमाग में समझ में नहीं आया था, समझाता हूँ आपको। सीख क्या जाना है दोस्त? देखो, अगर हम बात करें इस प्रश्न का, तो जब हम इस प्रश्न को बनाने आएंगे, ठीक है, तो इस प्रश्न को एकदम बढ़िया से पढ़ना, एक एक लाइन। कहता है एक समान त्वरण से गतिमान एक पिंड का वेग, सपोज दैट पिंड के जगह कार ले लेते हैं, ठीक है, ये कार ले लिए, इस कार का वेग अगर हम देखते हैं, बच्चे ध्यान से देखो, हेलो सर, हेलो, इस कार का वेग कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में कितना था? 40। 2 सेकेंड में 40। लाइव नहीं आ रहा है? लाइव नहीं जा रहा है? दो सेकेंड में 40 है और चार सेकेंड में आपका वेग कितना है? 80। सही है। अब बताइए 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, तो जहां भी प्रारंभिक वेग पूछ रखा होगा वहां टाइम कितना होगा? 0। यानी यहां का वेग पूछ रहा है, सही है? सही है।
अब दोस्त अगर हम इसकी बात अगर आपके सामने करें तो एक चीज और बताएंगे यहां से कि चलो ठीक है ये स्थिति है सर, ये दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, एक इधर का कंडीशन और एक इधर का। तो यहां से जरा बताओ जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे यहां से एक्सलेशन निकाल लेंगे, बताओ त्वरण सेम है या अलग अलग है? तो सेम है, एक साथ, यानी जितना त्वरण यहां होगा उतना ही त्वरण यहां भी होगा, त्वरण कभी बदलने वाला नहीं है। अब एक कैसे निकलेगा, तो इस स्थिति को देख कर तो यहां पर बताओ प्रारंभिक वेग कितना 40, यहां पर देखो इसको भूल जाओ, प्रारंभिक वेग 40 और 2 सेकंड के बाद यहां से 2 सेकंड आगे जाने के बाद तुम्हारा वेग हो गया कितना 80। क्या निकालना है? त्वरण। तो यहां पर एक फॉर्मूला यूज करोगे, भी बराबर यू प्लस एटी, भी बराबर यू प्लस एटी, भी की जगह कितना 80, ये हो गया 40 प्लस ए इंटू कितना 2, ए इंटू 2, 80 में 40 को घटाओ 40, तो 40 बराबर कितना हो गया 2a, तो a बराबर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर यहां 20 का त्वरण है तो यहां भी त्वरण कितने का होगा 20 का। अब इस इंफॉर्मेशन को हम करेंगे लॉक और इस कंडीशन में आ जाइए, इस कंडीशन में आपको प्रारंभिक वेग बताना है, त्वरण आपका दिया हुआ है कितना 20, पता चल गया है उधर वाले इंफॉर्मेशन से, टाइम कितना है 2, 2 सेकेंड के बाद इसका वेग कितना हो गया 40, तब यहां पे अंतिम वेग 40 हो गया। अब यहां से लगाएंगे भी बराबर यू प्लस एटी, भी की जगह कितना 40, यू निकालना है प्लस 20 गुना करेंगे कितना 2, 20 दुना 40, 40 में 40 जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? ये तो रहा आपका एकदम बेसिक, समझ गए? इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये एकदम बेसिक है। लेकिन बच्चे मैं बता देता हूं कि कोई भी प्रश्न जो होते हैं ना, अरे यार और जो भी जो चीजें मैंने अभी आपके सामने बताया जो आपको नहीं समझ में आया या जो कह रहे थे कि थोड़ा सा सर रुक रुक के, तो उनके लिए भी दोस्त है समय, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कोई भी क्वेश्चन साइंस का होगा, देखिए ये बातचीत मत करिए भाई, ठीक है, ये बातचीत मत करिए प्लीज। यार इस पे बनाने से ज्यादा तो मिटाने में ही टाइम जाता है, इतना देर में तो पोछा मार लेंगे। देखिए ये गलत आदत है, समझ गए? एक तो हम खुद इरिटेट हो रहे हैं, ऊपर से आप हंस रहे हैं, और इस तरह से मजाक मत करिए, इसको ठीक करिए ना। राजभरे क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है तो इसको हटा दीजिए। तब क्यों ऐसा मेरे ही क्लास में होता है या सभी क्लास में होता है? केवल मेरे क्लास में। तो कल से अगर बत्ती दिखाएंगे विश्वकर्मा भगवान, आप थोड़ा सा खुश रहिएगा। हो गया, चलो हाँ ऊपर ऊपर से ही लिखते हैं। चलो ठीक, देखो भैया इस क्वेश्चन को हमने कैसे धारा, 2 सेकंड में कितना था 40, 4 सेकंड में 80, तो थोड़ा सा हमने ग्राफ बनाया, ये टी है ये भी है, तो 2 सेकंड में हमारा वेग हो रहा है कितना 40 और 4 सेकंड में, तो थोड़ा सा दोस्त ये लॉजिकली भी क्वेश्चन अगर कोई पूछता है 6 सेकंड में तो 120, अरे अनुभव करो, 2 का 20 गुना कितना 40, 4 का 6 में 120। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देते बताओ कि 10 सेकंड में उसका वेग कितना होता, कितने सेकंड में 10, तो 10 सेकंड में कितना होता 200, तो बताओ टी सेकंड में आएंगे कितने सेकंड में टी, देखो इसका ये 20 गुना है ना जी, इसका भी कितना 20, इसका भी 20, तो दोस्त टी सेकंड में आएंगे तो 20 गुना करेंगे तो कितना 20 टी, यही तुम्हारा हो गया वेग। अरे हुआ, तो वेग जैसे देखेंगे तो यहां लिखेंगे भी बराबर कितना
20t. अब ये तुम्हारा समीकरण पता चल गया। अच्छा तुम इस समीकरण को देख के बताओ कि तुम्हारा वेग जो है समय के साथ स्थिर है या समय के साथ बदल रहा है? बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है। समय के साथ हमारा वेग बदल रहा है, इसका मतलब जरूर इसका इक्वेशन समय के साथ होगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए उस वेग का समीकरण हमने समय के साथ निकाला, तो भी बराबर कितना हो गया 20t। और इस वेग का मान प्रारंभिक वेग बताना है, टाइम कितना लें 0, तो यहां 0 लेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चे 0। इसलिए मैंने इसका वेग मार दिया था कितना 0, और मैंने बेसिक से भी बना के दिखा दिया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर? अब दोस्त अगर हम अगली बातें करें आपसे, देगा पढ़ाने या नहीं देगा? क्यों ऐसा हो रहा है भाई, परेशान हो गए एकदम? ए नीचे करिए, नीचे करिए, एक्सरसाइज कहाँ है वहीं से लेके चलते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइएगा सर, टाइप 3 आ गया, टाइप 3। एक्सरसाइज नहीं लिखे हैं क्या? चलिए ठीक है, चलिए यहीं से देखते हैं। एक नंबर है ना, यहीं से एक्सरसाइज है, ये चेक करेगा आपको कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो हम रुकेंगे, ठीक? बताइए, कण का स्थिति दिया हुआ है समय t के अनुसार इस इक्वेशन से बदल रहा है। इक्वेशन क्या है बच्चे? x बराबर at² माइनस bt³। पूछ रखा है वह समय बताइए जब कण का त्वरण क्या होगा। सुनिए, कण का त्वरण, एक भी बच्चा अगर झूठ बोलिएगा, समझ गए, तो समझ जाएंगे कि आप अपने लाइफ के साथ झूठ बोल रहे हैं। ये हमारा समीकरण है, हमसे पूछा कि बताइए क्या शून्य होगा? त्वरण, यानी जानना किसके बारे में चाह रहा है? त्वरण। और ये बताइए कि ये इक्वेशन जो दिया गया है ये नियत है या वेरिएबल है? तो x से a के पास जाने के लिए कितना बार? दो बार। कितना बार? दो बार। तो दो बार करेंगे, बताइए पहला बार करेंगे कितना होगा? a कांस्टेंट है ना जी, t² का कितना होगा? 2t। तो एक बार करेंगे तो ये 2at, और इसका करेंगे 3bt², समझ रहे हैं? अब यहां 2a कांस्टेंट, तो ये एक बार किए इतना, इसको लग ले दूसरा बार भी करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2a माइनस 6b, यही आपका त्वरण होगा। अरे बोलो, और इस त्वरण को कर कितना देना है? 0। यानी 2a माइनस 6bt का मान कितना होना चाहिए? 0। तो 6bt बराबर कितना? 2a। तो दैट मीन्स टी बराबर 2a बटा 6b, 2 × 3 = 6, तो कितना हो गया? कितने बच्चे इसको समझे सो बताइए? सारे बच्चे समझे? कोई दिक्कत नहीं सर। और मैंने एप्लीकेशन तो आपको दिखाया ही है, तो उस तरह से आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। एक्सरसाइज आप देखते चलना बच्चे, एक्सरसाइज। ये भगवान बढ़िया से, ठीक है, क्या करे भाई। अब मुझे एक बात बताओ, इस प्रश्न को देखो, थोड़ा सा घूमना है आगे से पीछे, बीच में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कल के दिन मान लेते हैं आप डायरेक्टली आउटपुट आपका होगा कि आप रिजल्ट ले लिए, कल के दिन आप रिजल्ट लेके मेरे पास आइएगा, ठीक है? तो बीच में आपके साथ बहुत अच्छी घटनाएं भी होगी और बुरी घटनाएं भी होगी, तो हम बीच में कभी कहेंगे कि अच्छा एक बात बताइए, जिस समय आप बुरे स्थिति से गुजर रहे थे उस समय बताइए आप कैसे बाबर का इतिहास पढ़ रहे थे? तो वही बात यहाँ कर रखा है कि जिस समय कण का क्या, कण का वेग क्या है? शून्य है, उस समय इसका क्या बताइए विस्थापन? तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कब इसका वेग 0 हुआ था, बताइए सही या गलत? पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इसका वेग कब 0 हुआ था, सही है? अब मुझे बताओ टी बराबर क्या है? √x + 3। ये तो गड़बड़ वाली बात है भाई। यहां से तुम एक बात बताओ, एक्स बराबर t - 3 लिख दो, कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर करो, हाँ? अरे करे, तब ना आपको प्रेम से एक्स मिल जाएगा। और आप तो एक्स, आप बताइए डिफरेंशिएशन एक्स का करते थे या √x का करते थे? आप एक्स का ना करते थे, तो आपको एक्स ना निकालना यहां से।
इसलिए एक्स उक्स पे पावर लगाए तो खटाक से हटाओ पावर को, पावर ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स का, समझ रहे हैं। तो इसलिए इस एक्स को फ्री किया मैंने, तो एक्स को फ्री करने के लिए बताइए रूट एक्स की जगह टी माइनस थ्री, और उसके बाद यहां रूट एक्स था इसको हटाए, तो समझ रहे हैं। तो यहां से एक्स आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस, ये बात समझ रहे हैं? Yes, सही है। Yes, बोला कि आप इसका विस्थापन बताइए, यानी आपसे पूछ यही रहा है, लेकिन कब, जब इसका वेग शून्य है तब। सही है। Yes, भैया पहले तुमसे आते, हमको जानना है तुम्हारा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या चीज, वेलोसिटी, वेलोसिटी के पास जाना है, क्या करेंगे बताइए। Yes, एक बार डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस, और ये तो कॉन्स्टेंट है। Yes, कितना, जीरो। वेलोसिटी को कर दिया कितना, जीरो। अब बताओ 2t माइनस सिक्स बराबर जीरो, 2t बराबर कितना, सिक्स, तो t बराबर तीन, यानी हमारे कण का जो वेग था ये वेग जीरो कितने सेकंड पर था, तीन सेकंड, और इसी तीन सेकंड पर हमको बताना है क्या चीज, विस्थापन। तो बताओ t की जगह कितना पुट कर दें, अरे बोलो, कोई बोलेगा जा पुट करे, ये जो कर ल एकरो में बात बात से में आई, तो तीन का स्क्वायर नौ, नौ नौ अठारह, छ गुना तीन अठारह, अठारह में अठारह जाएगा जीरो, तो बताओ कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, शून्य। बताओ दोस्त समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत प्रॉब्लम लाया हूं आपके लिए, धीरे धीरे आप सारी बातों को समझ जाओगे दोस्त, ठीक है। यदि किसी कण के, बताओ क्या ये रूट एक्स बर्दाश्त करोगे, हम एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं यार, मौड़ी तौड़ी क्यों चला दियो, रूट एक्स, आप समझ रहे हो, हम एक्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो रूट एक्स नहीं करेंगे। तो यहां से एक्स क्या लिखेंगे बताओ, टी प्लस सी वन, सही है, तो टी स्क्वायर प्लस फोर्टीन टी प्लस फोर्टी नाइन, सही है। अब यहां पूछ रहा है कि बताइए करण का, कण का त्वरण जो है, कण का त्वरण टी के समानुपाती है, ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे पर आधारित, एक दूसरे पर आधारित, पहले तो चेक करते हैं कि आधारित है भी कि नहीं, बात सही है। तब भैया हम एक काम करेंगे कि पूछ किसके बारे में रहा है, तो इसकी कितनी बार बताइए, इस दो बार, ये तो पहले बार में चला जाएगा, ये तो जीरो हो गया प्लस फोर्टीन, सही है, एक बार हो गया, एक ही बार में छोड़े या दूसरी बार भी, तो दूसरी बार भी लेके जाते, सही है। अब बताइए इसका कितना हो जाएगा, जीरो, और इसका कितना, दो, सही है। बोलेंगे महोदय बोला क्या, बोला त्वरण आ गया कितना, बताइए क्या ये त्वरण समय पे निर्भर कर रहा है, बोला जब समय पर आधारित नहीं है तो कहा समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, तू हटा सब, कण कैसे चल रहा है, स्थिर त्वरण से, बताइए सही या गलत, कण का त्वरण बदल रहा है या कण का त्वरण स्थिर है, स्थिर है, क्लियर है, बात समझ रहे हो। बात यह है कि फिल्म में जो है हीरो को बाल बच्चा भी हो गया, और ये पूछ रहा है कि आपका अगुवाई कौन किया था, हम इतना बढ़िया से बता दिए इसको कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो, तो भी कह रहा है कि जीरो कहां से लाए हैं, ये कांस्टेंट है कि नहीं छोटू, 49 कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, जीरो, और यहां ये 14 है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका होगा, इसका, इसका मतलब तीन जोड़ दो का स्क्वायर 25 होगा, ये बात सही है, तब कल के दिन कहिएगा कि चार जोड़ दो के स्क्वायर 36 का है होगा, बात समझ गए होंगे हमको आशा है, या तो आप हमको बुड़बक बना रहे हैं दोस्त, यही हो सकता है 90%, क्योंकि मुसलर पुरहाट का बच्चा बुड़बक नहीं होता है दोस्त। अच्छा ये भी तो कॉन्स्टेंट है ना छोटू, 14 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। किसी भी नियत राशि का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। अगर 5 का पूछेंगे तो भी जीरो, कोई भी हो, 100 है तो वो भी जीरो, 1000 है तो वो भी जीरो,
ये देखो यहां किसके बारे में पूछ रहा है, यहां किसके बारे में? अब देखो बेग एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे या रूट एक्स का? एक्स बराबर करो तो टी प्लस यहां रूट टी प्लस सेवन का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस फोर्टीन टी प्लस 49 सही है। अब अगर इसके बेग को बताना है, क्या बताना है? बेग, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। कितना बार छोटू? एक बार, तो ये तो जीरो हो गया, बचा कितना? 14 और यहां से 2t, यानी भी बराबर 2t प्लस 14 सही या गलत? अब बताओ यहां बेग तुम्हारा समय पर आधारित है कि नहीं है? अब कहता है समानुपाती, समानुपाती का मतलब है कि तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, जैसे बाप बेटा का रिलेशन समानुपाती होता है, चचा भतीजा का रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती होता है, चचा अमीर तो भतीजा गरीब, लेकिन बाप बेटा में बाप अगर अमीर है तो बेटा भी क्या होगा? अमीर होगा। समानुपाती बोलते फ्रेंडशिप रिलेशन, समझ रखे कि नहीं? तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां से बेग हो गया, अगर तुम्हारे बढ़ने से हम कमते हैं तो ये उल्टा हो गया, और अगर तुम बढ़ रहे हो और हम भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे, यानी वो सीधा सीधी हो गया। तो बता दोस्त, अगर टाइम का मान एक रखें, हेलो टाइम कितना? एक, तो बेग तुम्हारा 16, बेग 16, टाइम का मान दो रखें, टाइम का मान दो, तो कितना हो गया? 18, टाइम का मान तीन रखें, 20। अब तुम देखो समय बढ़ाते जा रहे हो तो बेग भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा। तो बताओ ये समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती होता कब? जब समय बढ़ाते और बेग घटता तब। लेकिन बताओ यहां घट रहा है या ये भी बढ़ रहा है? ये भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? समानुपाती। किसके समानुपाती है? ठीक है, समझ रहे हैं? ये भी किस पे निर्भर कर रहा है? टी पर, सही है। ठीक है, इसको तो अब दोस्त हम ज्यादा नहीं छेड़छाड़ करेंगे, बड़ा मुस्कुराते हो दोस्त। ये देख रहे हो आप, अब जो है ना डायरेक्टली टिक करना, हेलो 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 हेलो, ये समीकरण देख रहे हो क्या पूछ रहा है? त्वरण पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है, ठीक। अब हम यहीं पर से दिस दैट करेंगे, इस समीकरण को जब हम देखें तो इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना है? ये तो पहले बार में जीरो, ये तो पहले बार में क्या हो जाएगा? जीरो। ए वन टी है तो पहला बार में ए वन निकलेगा, और यहां से निकलेगा टू ए टू टी। अबे सही है, इसको एक बार और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बचेगा क्या? टू ए टू, सही है। ये बताना है एकदम तुरंत बता दीजिएगा, हेलो एरा में तो डायरेक्ट है, कौन सा बोलन टोपी वाले भैया? एक्स बराबर ए प्लस माइनस सी टी, क्या पूछ रहा है? कितनी बार? दो बार। ये पहली बार में कितना? यहां से 2b और यहां से 3c टी स्क्वायर, सही है। एक ही बार करेंगे, एक बार और, तो इससे अब क्या निकलेगा? क्योंकि t का डिफरेंशिएशन और ये टी स्क्वायर है ना, सही है। 2b माइनस 6c t, ये देख रहे हो, कहता है कि बताइए कि कब कण का क्या चीज? त्वरण क्या होगा? सुनो, तो पहले त्वरण के पास जाएं, ठीक है, त्वरण के पास जाते हैं। एक्स बराबर 2t³ माइनस 60² प्लस 12t प्लस कितना? 6। सही है, तो इससे हमको त्वरण के पास जाना है, कितनी बार? दो बार, दो बार। बताइए पहले बार में कितना? एक बात हमेशा याद रखे, टी पर जितना बार पावर होगा ना जितना, उतने बार वो बर्दाश्त करेगा।
तो ये बार टी पे पावर वन है, तो एक बार करेंगे तो कितना हो गया 12। इसका बताओ दोस्त, 12 टी। इसका सही है, एक बार करोगे कहां, बेग के पास, एक बार और 12 टी माइनस, ये तो पूरा 0। अब बताओ इस त्वरण को करना कितना है, तो 12 टी माइनस 12 बराबर 0, यानी 12 टी बराबर 12, तो टी बराबर कितना, 1 सेकेंड। सही है ना दोस्त, नहीं समझा क्या? विस्थापन का समीकरण है आपके सामने, x बराबर 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5। क्या पूछा है, कितने सेकंड पर, कितने सेकंड पर, तो यहां पर देख लीजिए बताते हैं, यहां पर से है कितने सेकंड पर, 2 सेकंड, कितने सेकंड पर, पनीर चावल खा गया अभी तक, स्वाद का चर्चा कर रहा होगा यार, बनाए थे बढ़िया, थोड़ा सा धनिया ज्यादा डाला गया था। x बराबर 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5, सही है, किसके पास, देखो यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, 2 सेकेंड पर कण का क्या बताना है, त्वरण, एक्सलेशन बताना है, सही है, कितनी बार, ये तो पहले बार में 0 0, ये कितना 1 और ये 4t, ये तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, एक बार और करो, एक्सलेशन पास पहुंच, तो एक्सलेशन कितना आ गया, क्या ये एक्सलेशन समय पे डिपेंड कर रहा है, तो समय के किसी भी मान पे त्वरण का मान कितना रहेगा, 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। अरे चटाके का, जब समय पे निर्भर नहीं कर रहा है तो तुम 2 सेकंड बोलो या 100 सेकंड बोलो, बात सही है ना भाई, ये जा कह रहे कि 2 सेकंड पर पूछा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, एक रील देख रहे थे, वही रील में जैसे मैं आपको बताया था ना, एक बार एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स में, क्वेश्चन आपको बताएंगे भी, उसको कहते हैं कंडीशन ऑफ क्रॉसिंग, नदी को पार करने की स्थिति होती है वहां पे, तो उसको हम लोग बनाते हैं, तो उसी में जो कल बता रहे थे हम कि नहीं बोला गया था कि एक व्यक्ति नदी के 8 किलोमीटर चौड़ी नदी है, उसमें एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस पार से उस पार जाना चाहता है, यदि धारा की चाल इतनी है तो बताइए कि उसको लघुत्तम मार्ग से जाने में कितना समय लगेगा, तो व्यक्ति जो है हमेशा इधर भागता है, तो उसमें मैथ्स वाले टीचर उसको बोल रहे थे, जब हम बता रहे थे तो हमको बोले कि बेकार बता रहे हैं उसको, उसको कहिए कि पैदल पैदल चल जाए किनारे किनारे महाराज, धारा के कौन गारंटी है कब बढ़ जाए, जिंदगी रहेगा तो बहुत नहीं था। और उसी पर जो है ना, उसी पर एक रील देख रहे थे फेसबुक पर, दिखा था हमको, एक इतनी छोटी सी बच्ची थी, वो अपने पिताजी को बोल रही थी कि बताइए हम इतना मन लगा कर कर करके सोचे थे कि अब हम गणित को बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, तो ये भाई देखिए क्वेश्चन क्या आया है कि सीता अपने स्थान से 10 मीटर बाएं, अब पुनः 20 मीटर से दाएं, अब पुनः 10 मीटर इधर सुधर जा रही है, मतलब उसके कहने का अंदाज था, अब बताइए कि हम क्या बनावें, बनाने से तो ज्यादा बेहतर है कि सीता को जाके रोक ले ना सीता चलेगी ना ये प्रॉब्लम रहेगा, और नहीं रुकेगी तो उसका टांग तोड़ देंगे अब जो भी हो भाई, देखिए कहानी जो है ना हंसाने के लिए होता है, उसमें आप अपने आप को मत ढालिए, ठीक है, एकदम डूब जाता है। यहां देखो ये क्वेश्चन देख रहा, हेलो सर, एस बराबर है 60 स्क्वायर माइनस टी क्यू, कहता है कि वो सेकेंड बताइए कि जब कण का वेग पुनः क्या हो जाएगा, 0, कण का वेग 0 हो जाएगा। अच्छा बताइए यहां से वेग के पास जाना है कितना बार, करिए कितना होगा, माइनस 3t, वेग को करना कितना है, 12t माइनस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर बराबर 12t, बताइएगा दोस्त, दिस कैंसिल, 3 चौक 12, यानी टाइम जो आ जाएगा आपका कितना सेकेंड, ठीक, कोई दिक्कत,
होगा भी नहीं दोस्त, आप लोग इतना प्रेम भाव। हमारे प्रदीप सर हमको एक बार बोले गौरव जी फिजिक्स स्पेशल का क्लास दे दीजिए, बोले लगा दीजिए फिजिक्स स्पेशल का क्लास आपका आ रहा है मित्र, पता कर लीजिएगा ऑफिस में। यहां जरा देखिए, कहता है कि आरंभ में, आरंभ का मतलब समझते हैं ना, प्रारंभ में क्या चीज, प्रारंभ में, प्रारंभ में कण का वेग बताइए, यानी क्या बताइए, यू, क्या चीज, यू। लेकिन तुम देखो जो तुमको इक्वेशन दिया है एस बराबर 12t + 3t² - कितना 2t³। बताओ ये नियत है या वेरिएबल है, क्या जानना है आपको, तो वेग के लिए कितना बार, तो ये तो हो गया 12, ये बताओ 60² गलती हो गया। अरे मीट यार, सिक्सटी स्क्वायर, ये क्या निकल गया, और ये कौन सा बताइए, आपका ये जो वेग निकला ये समय पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ये किसी समय पे नहीं पूछ रहा है, कौन सा वेग पूछ रहा है, आरंभ का मतलब समझते हैं, टाइम कितना जीरो, जीरो लीजिएगा तो ये गया, ये भी गया, जीरो का मतलब कोरोना, जो कोरोना में आया सब गए, आप भी जाइए। प्रारंभिक वेग 12 m/s, m/s² त्वरण का मात्रक होता है, 12 m/s। यहां पे दिया गया है कण के विस्थापन का समीकरण y = a + bt + ct² - dt³। एक बात बताइए, सुनिएगा, हेलो सर, यहां से दो चीज पूछ रहा है, हेलो, क्या क्या पूछ रहा है, एक पूछ रहा है प्रारंभिक वेग और एक पूछ रहा है त्वरण में भी, यहां प्रारंभिक वेग व प्रारंभिक त्वरण, यानी ये पूछना चाह रहा है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और यही पूछना चाह रहा है प्रारंभिक त्वरण, प्रारंभिक त्वरण, सही है। अगर हम बात प्रारंभिक वेग का करें, यानी जानना तो वेग के बारे में है, तो कितना बार छोटू डिफरेंशिएशन, एक बार करिए तो जीरो हो जाएगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करिएगा वेग को तो मिलेगा बी, मिलेगा, बताइए कितना हो गया, ये जीरो, ये कितना बी, और यहां 2c t, और यहां 3d, सही है, रुक जाइए, बोलिए, नहीं चर, अब माइनस में रहता तो मेरा क्या बिगाड़ लेता है, नीचे जा रहा है, ऑप्शन में चेंज हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह, ऑप्शन में चेंज नहीं होगा, हम बता देंगे ना आपको, ऑप्शन में भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्त एक चीज जरा बताइए, ये हमारा वेग निकल गया, और कौन सा वेग जानना चाह रहा है, किसी दिए गए समय पर पूछते तो हम बता भी देते, लेकिन तुम जानना चाह रहे हो प्रारंभिक वेग, यानी टाइम कितना होगा, जीरो, टाइम, और टाइम जीरो है तो जो भी टाइम से सटल होगा वो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग के लिए टाइम जीरो, तो बताओ कितना हो गया, बी, यानी प्रारंभिक वेग कितना, बी, प्रारंभिक वेग बी, बी इसमें भी और बी इसमें भी है, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये कौन सा पूछा है, प्रारंभिक त्वरण, तो प्रारंभिक त्वरण के लिए इसको कितना बार, दो बार, तो ए का एक बार करेंगे जीरो, अब बी टी है ना, एक बार करिए क्या चीज, बी, अब बी के बाद एक बार और जीरो, इस सी टी स्क्वायर को करिए, टू सी टी, एक बार और निकालिए, टू सी, आई डी टी क्यू है ना, एक बार करिए 3d t² और आगे करेंगे 6d t, यही आपका त्वरण आएगा, अरे आएगा, और ये कौन सा त्वरण पूछ रहा है, प्रारंभिक त्वरण, प्रारंभिक त्वरण के लिए टाइम का मान कितना, जीरो, तो यहां जीरो रखेंगे तो पूरा गोल हो जाएगा, तो 2c, तो ये ऑप्शन आपका सही जाएगा।
अब देखो दोस्त, तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना, तो उसमें जहां प्लस था वहां क्या हो जाता, माइनस, और जहां माइनस था वहां प्लस। तो अगर यहां माइनस लोगे तो ये माइनस, तो ये भी माइनस, दोनों सेम ही रहता, समझ गए ना, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं था। आ देखो, विस्थापन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो ये माइनस वाई का मतलब है कि वो किधर जा रहा है, नीचे, बात समझ रहे। लेकिन वहां पर तब उसको लगाना पड़ता वेक्टर साइन, तो पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए, ठीक। ये छोड़ दीजिए, ये इसलिए छोड़ दीजिए चूंकि ये डिफ्रेंसिएशन हम आपको नहीं बताए हैं, साइन कॉस टेन वाला, ठीक। उसके अरे हो कहाँ गया यार, दोस्त देखो, बहुत सारे बच्चों का कहना था ना, बहुत सारे बच्चे चाह रहे थे फिजिक्स स्पेशल का क्लास। देखो बस मित्र, मेरा थोड़ा सा जो है ना एक बुरी आदत है, हम आपको पहले भी बताएं, आज फिर से आपको बता देते हैं, ठीक है। हम किसी के ऊपर या किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं मित्र, बात समझ गए। हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिवनेस है, नहीं समझिएगा, खूब मेहनत करेंगे, लेकिन इस तरह से हरकत करिएगा जैसे बहुत सारे बच्चों को, हम जान रहे हैं कि वो समझ नहीं रहा है, समझ गए, लेकिन केवल क्लास में बैठा हुआ है, तो ऐसे ऐसे बच्चों को दोस्त हम चुन करके तुरंत खुद से बाहर कर लेंगे। हम ऐसे नहीं बोले थे उस दिन कि हमको इतना बच्चा का रिजल्ट हमको मिलेगा, समझ गए। आप दो चाहे ना दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये तो समझिए कि जो आपके गुरुदेव हैं वो हमारे भी एक तरीके से गुरुदेव हैं, पूरे पटना के गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा बस हम उनके साथ हैं और रहेंगे भी। इसलिए बुड़बक मत समझिए, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो ढेर मनी टीचर्स इन दिस कैंपस ऑफ फिजिक्स, बात समझ गए। थोड़ा सा हिंदी जोड़ दिए, 3t² + 5t - 2, बात पर मत जाओ, क्वेश्चन पे आओ। ये देखो x = 3t² + 5t - 2, कण का कितने सेकेंड पर विस्थापन, कितने सेकेंड बाबूड़े बताओ, ये जो इक्वेशन है क्या ये समय पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? ये सिखाने के लिए दिया गया है, समझ रहे हो? तो बताओ दोस्त, यहाँ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो x का मान बताना है t के कितने मान पर, 2, तो बताओ 3 × 2² सही है, और प्लस 5 × 2 और माइनस 2, अब बताओ 4 × 3 = 12, 12 + 10 और माइनस 2, 22 में से 2 जाएगा 20, समझ गए? तो 20 यूनिट आपका आंसर होगा, समझ गए आप इसको? कोई दिक्कत? अरे इसको समझे, ठीक है। आगे देखो, तुम फोटो खींचने वाला खाली फोटो ये खींचते रहो, ठीक है। देखो इधर आओगे दोस्त पढ़ने के लिए, चाहे मजबूरी में आओ या जब समय खराब हो जाएगा ना तब आओगे पढ़ने के लिए, अभी तुमको थोड़े बिलीव पड़ेगा दोस्त, बाद में आओगे। कब आओगे पता है? जब फीस रख दूंगा 6500, इसी ALP को पढ़ाने के लिए कोई आज पैसा लेगा, हमारा एक समय फीस इसी ALP को पढ़ाने के लिए 20,000 रुपया था, समझ गए, और वो भी केवल CBT 1 और 100% रिजल्ट, नहीं तो डायरेक्ट पैसा लेके जाइए, 50 और 50 में 50, समझ गए? तो उसमें रखते भी थे वो इसने चुन चुन के, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि कोई कल के दिन कोई बाहर जाकर करके आप बोल दे कि सर आप नहीं किए, आज नहीं ना रहे हो, वही CBT 1 में रिजल्ट होने दो, सबसे ज्यादा यहीं से रिजल्ट होगा, ये तो बहुत अच्छा हो गया दोस्त। हम तो भगवान से मनाते हैं, एक माता से, कि आपने बड़ा अच्छा किया माँ, भले सीट कम दिया ठीक है, हम लोगों का समय खराब है, लेकिन इससे जानते हो क्या हो जाएगा, जैसे नेता के बारे में 5 साल में आदमी भूला जाता है कि क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, यहाँ टीचर के बारे में भी भूला जाता है, 5 साल के बाद उसी टीचर से जाकर पढ़ोगे, पिछली बार लड़ा था कि अच्छा यार छोड़ो, अगर आपको नहीं लड़ा होगा तो चलो 5 साल में भूल जाता है, फिर सोचता है कि यार 5 साल में टीचर भी मॉडरेट किया होगा, अब लेना 2-3 महीना पे तुरंत पता चलेगा नहीं लड़ा था क्वेश्चन, फिर अगले पार में नहीं लड़ेगा, फिर नहीं लड़ेगा, फिर साल भर के बाद घूमते हुए आओगे, अब विद इन 1 महीने के अंदर हमारी फीस यहाँ भी 5500 से 6500 हो जाएगी। हम दोस्त उस सबसे कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। कण के किस चीज का समीकरण है छोटू? ए का। इक्वेशन क्या था? 2 सही था। बेग बताना है ना बाबू? कण के बेग का समय के साथ संबंध, किसके साथ?
समय के साथ, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम। अब बताओ दोस्त, इससे वेग निकालना क्या ये नियत है? अब ऐसा नहीं बोलना कि सर भी बराबर, देखो एक बात बताते हैं, किसान कोल्ड स्टोरेज के बच्चा को भी बता देते हैं, उसको दिया रहेगा भी बराबर एक्स बटा टी, ठीक। अगर हमें टाइम से भाग कर देगा तो एक जगह आ जाएगा थ्री टी प्लस फाइव और माइनस टू बटा टी, यहू ऑप्शन में बना देगा, कहेगा वाह 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 वाह, मार देगा खट से, ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जानता है ना वी बराबर एक्स बाई टी भी होता है, बट टाइम से भाग करेगा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं समझे भैया? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, थोड़े पूछेगा। क्या बताना है छोटू? वे कितने बार? दो बार। कितना बार? एक बार। एक बार करेंगे कितना? जीरो। और ये कितना हो गया? फाइव। और ये सिक्स टी प्लस फाइव, तो ये वेग हो गए, सही है? वेग बराबर आ गए आपके सिक्सटी प्लस फाइव, तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। ये चेक करते जाएगा दोस्त, ये सीखे कि नहीं, बस सिखाने के पर्पज से ये दिए थे। कण का कितने सेकंड पर वेग? तो तुमने वेग का निकाला था ना सिक्सटी प्लस फाइव, ये वेग आपको बताना है टी बराबर कितने सेकंड पर? तीन। तो यहां से हो जाएगा छह गुना तीन और प्लस पांच, छेती अठारह पांच तेईस, तो ये हो गया 23 मीटर पर सेकंड। बताओ समझ रहे हो? अब दोस्त अगला देखो, अगला 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 है कण का प्रारंभिक वेग। तो भी बराबर तुमने देखा था 60 प्लस 5, प्रारंभिक वेग के लिए टाइम का मान जीरो, और टाइम जीरो ले लेंगे तो ये कौन सा वेग बन जाएगा? प्रारंभिक प्रारंभिक वेग, और छह गुना जीरो और प्लस पांच, तो आ जाता पांच मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो, ठीक है। अगला देखो छोटू, अगला जो है कण के किस चीज का समीकरण? त्वरण का। तो समीकरण क्या था? x बराबर थ्री टी स्क्वायर प्लस फाइव टी और माइनस, क्या निकालना है? त्वरण। कितना बार? दो बार। तो दो बार करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 60। अगर इसको एक ही बार करें तो ये होगा 60 प्लस फाइव, और एक बार और इसको कर देंगे तो ये 6, सही है? यही आपका त्वरण हो जाएगा, यानी एक्सलेशन आ गया कितना? 6। एक्सलेशन 6, तो बोलेंगे त्वरण का समीकरण आया a बराबर 6, सही है? अब बता दोस्त, ये जो तुमने निकाला कण का कितने सेकंड पर त्वरण? तो बोलेंगे सर a बराबर कितना निकाले थे? 6। a बराबर कितना? 6। और a जो है समय से, किससे? समय से छोटा, कि स्वतंत्र है, स्वतंत्र स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि जब भी जाइए इसका मान बदलने वाला नहीं है, यानी a जो रहेगा वो कितना रहेगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, सही है? तो दोस्त इसका जो आएगा वो आएगा a बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास्टर बना दूंगा दोस्त, हड़बड़ी में पढ़ा रखा हूं। कण के किस चीज के साथ संबंध? त्वरण। तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर a बराबर क्या चीज? 6। बोलोगे सर त्वरण जो है क्या चीज? त्वरण समय से आजाद है, जिंदाबाद है, ठीक है। कण के वेग का किसके साथ संबंध? तो डायरेक्टली लिख देते हैं सर भी बराबर 60 प्लस 5 पढ़े थे, भी बराबर 60 प्लस 5। आप देख रहे होंगे वेग समानुपाती है किसके? टी के। टाइम के बढ़ने से वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कहेंगे वेग जो है समय के, समय के, और इसी समानुपाती को एक और भी नाम दिया जाता है जिसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती है, समझ रहे हैं? ठीक है। अब दोस्त यहां पर से हम एक नया चीज पढ़ाते हैं, आइए चलिए, रेडी? तो आप बेसिक डिफरेंशिएशन सीखे? अरे समझे? कब डिफरेंशिएशन करते हैं ये बात समझ में आई? कब करते हैं छोटू? जब हम आगे जाते हैं। कब इंटीग्रेशन करते हैं ये भी बात समझ गए, ठीक है? देखो बच्चे, अभी रेलवे में क्या होता है ना, हमने हम जब रहते थे पढ़ाते थे यहां पढ़ के, इधर जनरल कंपटीशन की दुनिया की बात कर रहे हैं, तो हम यहां क्या देखते हैं बच्चे, कि एक ही बच्चे को दो चार तरीके से, समझ गए, दो चार तरीके से, जैसे कैसे हम बताएं कि कोई पढ़ा रहा है उसी का टेस्ट ले रहा है, तो कभी कहेगा ये मिशन है, तो कभी कहेगा इसका चक्रवात आ गया है, तो कभी ये तिरंगा है, तो कभी अलग अलग तरीका से। यार मैं एक बार आप मेरा साइंस पढ़िए, चाहे सीबीटी 1 हो
चाहे सीबीटी टू हो। ऐसा नहीं कि आप सीबीटी वन का साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सीबीटी टू में फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये साइंस आप पढ़ लीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम आप दे दीजिए, समझ रहे हैं। जैसे हम ट्रेड पढ़ाते हैं तो ट्रेड का मतलब ही नहीं होता कि केवल एएलपी के लिए पढ़ा रहे हैं, उसमें जेई का बच्चा अलग से बैठेगा या बीएसपी बीएसपीएसएल का बच्चा अलग से बैठेगा, नहीं। एक बार ट्रेड पढ़े तो उसमें जितना भी आपके ट्रेड से रिलेटेड एग्जाम है वो सब उसमें से क्या करेगा, मर्ज कर जाएगा। साइंस पढ़ने का मतलब हुआ कि साइंस जब आप पढ़ लिए फिजिक्स हमसे तो आप टेक्नीशियन में बैठ जाइए या आप सीबीटी वन में बैठिए या सीबीटी टू में बैठिए, सभी जगह आपको काम करेगा। बात समझ गए? ये जो बैच बना है ये प्योरली समझ आइए सीबीटी वन के लिए। सीबीटी टू में हम आपको बस एक ही चीज पढ़ाने वाले हैं, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग। वो भी फीस रखेंगे इतना कम कि आप उसमें देखिएगा आपको लगेगा कि यार क्या ये फीस भी है। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग मुश्किल से दोस्त हमको लगता है कि 25 से 30 क्लास में जो है पढ़ाऊंगा, तो दोस्त डेप्थ में पढ़ाऊंगा लेकिन 25 से 30 क्लास में खत्म। क्वेश्चन पूछता है 2 से 4, मैक्सिमम 5। हाँ, उसी में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इन्वायरमेंट, समझ गए, वहां से क्वेश्चन पूछता है पर्यावरण से, तो वो चीजें हमारी बढ़ जाती है वहां पे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है बच्चे। रही बात फीस की, बहुत सारे बच्चे का ये कहना था कि सर साइंस स्पेशल का बैच लाइए, बात भी बिल्कुल सही था कि जो एएलपी का बैच चालू हुआ उसमें मैथ्स और रीजनिंग के बहुत सारे बच्चे थे जो कि यहाँ पे पढ़े हुए हैं या जो कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने साइंस स्पेशल का बैच भी आपके सामने ला दिया है कि शाम में 8 बजे से लेकर के आप 9:30 बजे तक आप मेरे पास रहिए, और या फिर आप मॉर्निंग में हमारी बैच आ रही है सुबह में कितने बजे, 9 बजे नहीं 10 बजे, 7:30 से 9, हाँ 9 बजे से सुबह में 9 बजे, उसमें भी साइंस स्पेशल की बैच आ रही है। पढ़िए दोस्त, 6 महीने का सिलेबस है, समझ गए, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम इसको मार्च तक जाते जाते मार्च के इंड तक हम इसको खत्म कर दें, ठीक है। खत्म कर करके ऐसा भी नहीं है दोस्त, और टेस्ट जब भी हम चालू करेंगे अपने साइंस का स्पेशल टेस्ट, तो परीक्षा से 1 महीना नहीं 1.5 महीना पहले, बात समझ गए। जैसे मान लेते हैं अगर परीक्षा हमारा जून में है तो अप्रैल के मिड से हमारे साइंस स्पेशल का टेस्ट आपका चालू हो जाएगा, समझ रहे हैं। अभी एएलपी का इसका टेस्ट चालू होने वाला है मंगलवार से, इनका 10 रुपये में यहाँ पर आप लोग को पता होगा, ट्यूसडे से एएलपी का चालू होने वाला है सीबीटी वन के लिए, तो उस टेस्ट में हम आपको डिस्कशन लेते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारा पूरा कोर्स खत्म नहीं होगा तब तक हम आपके सामने साइंस का टेस्ट लाएंगे नहीं, बात समझ गए। और साइंस के टेस्ट जो हम लाएंगे बच्चों, तो मैं बताता हूँ मेरा स्पेशल जो साइंस का टेस्ट होगा दैट विल बी नॉट अप्लाई फॉर द बिजनेस पर्पस, वो बिजनेस पर्पस से अप्लाई नहीं होगा, वो जो बच्चे हमारे क्लास में पढ़ रखे वही केवल हमारे टेस्ट को मार सकते, क्योंकि उस टेस्ट में जब हम क्वेश्चन देंगे तो बच्चे को खटखट बताएंगे ऐसे ऐसे हो रहा है। अब बाहरी बच्चा जो आएगा ना तो यहाँ पर टेस्टे मार के चाहता है कि हम विश्व विजेता बन जाए, तो आप साइड रहिए, बात समझ गए कि नहीं। क्या अंगद भैया, जैसे आप टेस्ट मार के सोच रहे थे हो जाए, चलो दोस्त मौका है दोस्त, फायदा उठा लो दोस्त। चलो मित्र, अगर हम इंट्रीगेशन की बात करते हैं, किसकी बात, इंट्रीगेशन, तो इंट्रीगेशन का सिंबल क्या होता है पहले एक बात देख लो, इसका सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक। और ये चीज बना कैसे, तो ये चीज बना इससे, एस मतलब सम, एस मतलब सम, अरे समझ रहे हो, एस का मतलब सम, इसलिए दोस्त हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो समाकलन, समाकलन। एक बात मैं बताता हूं, ये जो सम से बना इसी को अगर कहीं पे फंसा दे और उसमें वजन दे दीजिए तो यही तलर करके ऐसे आ जाएगा, तो यही इंट्रीगेशन का सिंबल है, बात समझ गए। और बेसिक अगर इंट्रीगेशन की बात अगर हम आपके सामने करते हैं बच्चे, तो हम आपको एकदम स्पेशली बताते हैं कि बेसिक में क्या होता है कि अगर सपोज दैट x टू द पावर n का हमको इंट्रीगेशन करना होता है, ठीक, तो रूल्स क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा। हेलो, डिफरेंशिएशन में एक पावर घटा देते थे, डिफरेंशिएशन में पावर में एक क्या करते थे, घटाते। हेलो, डिफरेंशिएशन में पावर में एक घटाते थे और यहां पावर में एक को जोड़ दे, जोड़ दीजिए n+1 और जितना पावर है उतने से भाग कर देंगे, सही है, क्या बोले समझे। डिफरेंशिएशन में पावर में एक क्या करते थे, वहां करते थे गुना, इंट्रीगेशन में क्या करेंगे, भाग, अरे सही है। गुना का उल्टा क्या होता है, भाग, और घटाव का उल्टा क्या होता है, जो, तो जहां पर घटाते थे वहां क्या करेंगे, अरे समझे, और जहां गुना करते थे वहां क्या करेंगे, सही है। तो अगर कोई पूछे कि बताओ x² का इंट्रीगेशन क्या होगा, तो बता सकते हो, तो भैया यहां 2 है, 2 में 1 को जोड़ो और जितना जोड़ गया है पावर में 3, सही है। अगर कोई बोले कि बताओ x⁵ का क्या होगा, बता सकते हो, सही है। अगर कोई बोले कि x का कितना होगा,
एक्स स्क्वायर बाय, अगर कोई बोले वन का कितना होगा तो वन का मतलब एक्स पे पावर जीरो, एक्स पे पावर जीरो, तो बताइएगा दोस्त एक्स पे पावर जीरो प्लस वन बटा वन, समझ गए? तो ये कितना हो जाएगा एक्स, बताइए क्या इस चीज को समझे आप? अरे समझे? तो बताइए दोस्त एक्स टू दी पावर सेवन का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स पे पावर एट डिवाइडेड बाय एट, सही है? अगर कोई बोले कि बताओ एक्स पे पावर बारह का कितना होगा, बता सकते हो? एक्स पे पावर तेरह, एक्स पे पावर तेरह बटा तेरह। और जैसे कैलकुलस जो है ना भैया, एक बात हमेशा याद रखे, कैलकुलस कांस्टेंट राशि का बड़ा सम्मान करता है, उसके गुरुदेव होते हैं वो। अगर उसके सामने जाता है सर आप थोड़ा साइड हट जाइए, इधर आइए, अंदर वाले जो जो अपना मान बदलते रहते, समझ गए, उसके साथ हमारी थोड़ी सी ये वो होगी। तो जैसे मान लेते किसी ने बोला 5x टू दी पावर 6, 5x टू दी पावर 6 बोला, इसका इंटीग्रेशन करो, कर सकते हो? बोलोगे सर ये 5 तो नियत है, 5 को बाहर, x पे पावर 7, सही है? कोई टेंशन? अब दोस्त अगर ऐसी बात है तो किसी ने बोला कि बताओ 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 इसका इंटीग्रेशन करना है, करेंगे? बोलना क्या करेंगे? 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 7 x होगा। कितना को नहीं समझ में आता, यो चुपचाप है, बर्दाश्त कर रहा है कि आप नहीं जीना है, हम वशिष्ठ पुरुष से सीख लेंगे। अरे बोलो यार, नहीं सीखे तो कितना होगा? 7 x, सही है? ठीक है, तो अगर सीख गए हो भैया तो ठीक है। अब भाई कैसे आएगा अब? थ्री डॉट, अच्छा ये देखो, ये कण का क्या है? त्वरण। क्या है? त्वरण। और ये पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कण का क्या, बताइए त्वरण कितने सेकंड पर? हेलो, त्वरण आपका समय पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? आप बोलोगे सर a बराबर 3t प्लस कितना, 2, 3t प्लस 2, टाइम के जगह एक सेकंड पे पूछ रहा है, तो भैया 3 × 1 + 2 तो 3 × 2 = 5, त्वरण बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चे सही है? मजा आ रहा है जी? कण के क्या बताना है? अच्छा बताओ, ये तुम्हारे सामने दिया हुआ था a बराबर 3t प्लस कितना, 2। सारे बच्चे बताओ त्वरण के बाद वेग आता था या त्वरण के पहले? तुरंत पहले या दो बार पहले? एक बार, तो इसको पीछे जा रहा है ना, तो एक बार इंटीग्रेशन, सही है? एक बार इसको इंटीग्रेट कर लेते, करें क्या? बताओ 3t का कितना होगा? 3t स्क्वायर बाय 2, सही है? और ये कितना हो जाएगा? 2t। एनी प्रॉब्लम? तो सर जी हमारा वेलोसिटी निकल गया 3t स्क्वायर बाय 2 और प्लस 2t, ये हमारे वेग का समीकरण हो गया। यही पूछा था? अरे समझ रहे हो? 3t स्क्वायर बटा 2 और प्लस कितना? 2t। अब देखो क्या पूछा है आगे, कण के एक सेकंड पर वे क्या निकला था? 3t स्क्वायर बाय 2 और प्लस 2t, वेग का मान बताना है टाइम के कितने वैल्यू पर? एक, टाइम के एक, टी की जगह एक पुट करें, एक का स्क्वायर एक, तो ये कितना हो गया? 3/2 और प्लस 2 × 1, सही है? तो 3/2 और प्लस कितना? 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 7, 7/2 मीटर पर सेकेंड, सही है? अरे एक दिन कहना कि मास्टर वो के ग्राम डलवा दीजिएगा, गजब। कण का प्रारंभिक वेग तो भी बराबर 3t स्क्वायर बटा 2 और प्लस कितना? 2t, सही है? प्रारंभिक वेग के लिए टाइम का मान कितना ले ले? 0, तो लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 लो तो ये पूरा 0, तो ये भी 0, यानी प्रारंभिक वेग कितना? 0। चलो समझ रहे हो? कण के किस चीज का समीकरण? अब बताओ दोस्त, तुम्हारे सामने a का दिया हुआ था 3t + 2, 3t + 2, हर बड़ा नाम है, थोड़ा पेशेंस के साथ दोस्त, एक बात बताओ, इसको एक बार इंटीग्रेट करो, टू, अच्छा बताओ क्या इसको ऐसा लिख सकते 3/2 t स्क्वायर t
स्क्वायर प्लस टू टी। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे ना, चूंकि त्वरण से कहा ना विस्थापन के पास, तो तीन बटा दो तो कांस्टेंट है और ई टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय थ्री सही है, और प्लस टू है ना सही है, ये तीन क्लास, ये दो क्लास, तो आ गया टी क्यूब बटा दो प्लस टी स्क्वायर। बताओ बच्चे समझ गए आप, ये आपके किस चीज का समीकरण हो गया विस्थापन का, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा लग रहा है? चलो चलो चलो, कण का कितने सेकंड पर विस्थापन, तो कण के विस्थापन का समीकरण निकाले थे ना, कण के विस्थापन का समीकरण x बराबर टी क्यू बच्चा जो प्लस टी स्क्वायर, तो रख देंगे तो दो का क्यू आठ, आठ बटा दो प्लस चार। हाँ समझ गए आप, सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए आप इसको। तो बच्चे एक बात बताओ मुझे कि आपको ये बातें समझ में आई? कोई टेंशन? और अगर बीच में कुछ छूटा होगा तो आप सेल्फ कर लेंगे, ठीक है, किन्हीं को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो ए मेहमान जी, हेलो गेस्ट साहब, ये बातें समझ में आई? एक बार फिर से पीछे से रिवीजन कर लेते हैं, जरा आप मुझे बताइएगा दोस्त कि x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा बता सकते हैं? डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? n x टू दी पावर n माइनस सही, और अगर इसके इंटीग्रेशन की बात हो तो सही है, और हमारा कैलकुलस किसके साथ छेड़छाड़ करता है? जो चर राशि होता है उसके साथ, जिसका मान बदलता है सही है, स्थिर राशि के साथ वो किसी प्रकार का हरकत नहीं करता है। बच्चे समझ गए आप? शुक्रिया दोस्त, गुड नाइट, बाय, थैंक यू।